पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम बस चाहते थे कि हम सारे स्टूडेंट्स मिलके जामिया से पार्लियामेंट तक मार्च करें, लेकिन हम लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी से ही बाहर नहीं निकलने दिया, पूरा एरिया बैरिकेड कर दिया गया, स्टोन पेंटिंग हुई, हम लोगों पर पत्थर फेंके गए, लाठी चार्ज हुआ लड़कियों पे, लड़कों पे किसी को नहीं छोड़ा, पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के उन्होंने लाठी चार्ज किया है। मुझे एक चीज पूछनी है, इज दिस द वे हाउ डिसेंट इज हैंडल्ड इन दिस कंट्री इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय अ सो कॉल्ड लॉ प्रोटेक्टर्स? 40 से ज्यादा टियर गैस बॉम्ब्स हम लोग पे छोड़े गए लगातार, 200 से ज्यादा बच्चे घायल हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिट है, 50 से ज्यादा की कंडीशन अभी तक क्रिटिकल है। और ये चीज यहाँ पे रुकी नहीं है, पूरा रात प्रोटेस्ट हुआ है, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरा यूनिवर्सिटी दोनों तरफ से बंद कर दिया गया, स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। दिस इज द कंडीशन, बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम लोगों को अपनी आवाज रखने का हक नहीं है इस कंट्री में। मैं बस आपसे चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह हम लोग का साथ दें, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, बिकॉज़ वी विल नॉट सपोर्ट सीएबी एट ऑल, दिस हैज टू रोल बैक, गवर्नमेंट हैज टू टेक इट बैक। ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।